निवात हवे अर्ध महाकुंभ नी। પ્રયાગરાજમાં અનેક સાધુ સંતોની સાથે સાથે અનોખા બાબા શિવયોગી મૌન સ્વામી પણ આવ્યા છે, જેમાં સ્વામી ગંગા નદીના કિનારે રામ મંદિરના નિર્માણ માટે 33,000 દીવા પ્રજ્વલિત કરે છે। દીવા પ્રજ્વલિત કર્યા બાદ તે વિજય આહુતિ યજ્ઞ કરે છે અને ત્યારબાદ મહાદેવની મહાઆરતી કરે છે। આ અંગે સ્વામીનું માનવું છે કે તેમની આ પૂજાથી ઝડપથી અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર નિર્માણ થશે, જેના કારણે કોર્ટમાં ઝડપથી નિર્ણય આવશે, બધી અડચણો દૂર થશે અને સરકાર મંદિરનું નિર્માણ શરૂ કરશે। પ્રયાગરાજમાં સાધુ સંતોનો અનોખો સમાગમ છે અને તેમના તરફથી અનોખા યજ્ઞ અને અનોખી પૂજા જે છે ગંગા તટ ઉપર કરવામાં આવી રહી છે। અત્યારે અમારી ન્યૂઝ ટીમ જે છે એ એક અમેઠીના બાબા છે તેમના મઢમાં છે। આપ જોશો કે અહીંયા 33,000 દીવા જે છે એ દરરોજ સાંજે જે છે એ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે છે। 33,000 દીવા એ ખૂબ મોટી વાત છે। આપ જોશો સામે રુદ્રાક્ષનું શિવલિંગ છે અને હવન પણ અહીંયા કરવામાં આવે છે ગંગા તટ ઉપર, અને આ પ્રકારથી આખી વ્યવસ્થા જે છે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા વિદેશી જે મુલાકાતીઓ છે તે પણ વિશેષ કરીને અહીંયા બાબાના હવનકુંડ ખાતે આવે છે અને આખી પ્રક્રિયા છે અલગ અલગ નામથી અલગ અલગ જે દીપ છે એ બનાવવામાં આવ્યા છે। કોઈકમાં ઓમ લખ્યું છે, કોઈકમાં જય શ્રી મહાંકાલ લખ્યું છે, તો સાથે સાથ આ ત્રિશૂલ જે છે ભગવાન શિવનો સારથી એવો ત્રિશૂલ જે છે એ પણ અહીંયા જોવા મળી છે મળે છે અને આ અનોખો ઘાટ છે ગંગા તટનો, અનોખો જે અહીંના સંત છે તેમનો આ મઢ છે અને એમની સાથે અમે વાત કરીશું। આપ જોશો કે અહીંયા લોકો સ્વયંભૂ અહીંયા ઉમટી પડતા હોય છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। ગુરુજી પહેલે આપકા નામ બતાઈએગા। બાલયોગી બાલ બ્રહ્મચારી સ્વામી હવે ચૈતન્ય ફલાહારી મૌનીજી મહારાજ પરમહંસ સેવાશ્રમ બાબુકુંજ સગરા ગૌરીગંજ અમેઠી અયોધ્યા કૃષ્ણ નિકટ મેરા આશ્રમ હૈ। તીર્થરાજ પ્રયાગ કી પાવન ધરતી હૈ, મહાકુંભ કા પાવન અવસર હૈ, જ્યાં રામ મંદિર નિર્માણ હૈ, 11 લાખ દીપો કા પ્રજ્વલન કિયા જા રહા હૈ। એક મહિને 5 દિન મેં 11 લાખ દીપો કા પ્રજ્વલન કિયા જાયેગા। 5 મહાકુંડો મેં મહાઆહુતિ દિવ્ય પૂજન ઓ 144 त्रिशूलों का स्थापना कर भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। यह विजय श्री महायज्ञ है। इसकी इस यज्ञ के संपूर्ण होने के बाद भगवान महाकाल की विशेष कृपा होगी। शिवपुराण की दृष्टि से 125,000 रुद्राक्षों से दिव्य विराट शिवलिंग का निर्माण किया गया है। शास्त्रों की मान्यता है इस शिवलिंग के पूजन के बाद जो प्रसाद प्राप्त होता है उससे व्यक्ति की प्रत्येक इच्छाएँ पूर्ति होती हैं। हमारा संकल्प है श्रीधाम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। विगत 28 वर्षों से राम मंदिर निर्माण के लिए निरंतर संकल्प रहा है, चला आ रहा है। 3 करोड़ से अधिक दीपक रामलला के लिए अब तक जलाए जा चुके हैं। 190 बार लेट कर परिक्रमाएं की गई हैं। 1,000 किलोमीटर की लगभग परिक्रमाएं मैंने लेट के किया है। 54 बार भू समाधि और 14 वर्षों का मौन वृद्धि रामलला के लिए किया है। आजीवन का मेरा संकल्प है कि मैं फलाहार रह करके केवल 1 बार सुबह 1 बार शाम को जल लेता हूँ। शेष नमक मीठा अन्न का परित्याग करके आजीवन रामलला के लिए समर्पित हूँ। संकल्प है केवल राम मंदिर का निर्माण हेतु। आशा है कि इस महाकुंभ की पूर्णाहुति के बाद न्यायालय में कोई न कोई ऐसा निर्णय अवश्य होगा जिससे राम मंदिर का निर्माण होगा। सरकार को भी कोई न कोई प्रेरणा मिलेगी। माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से कोई ऐसा निर्देश होगा, कोई पत्रावली पेश होगी जिससे नित्य प्रति सुनवाई होगी। राम मंदिर निर्माण का मामला प्रशस्त होगा और भक्तों की कामनाएं पूर्ण होगी। उसी उद्देश्य से दिव्य महाकुंभ में यह अनुष्ठान चल रहा है। एक राम मंदिर के निर्माण की बात तो आपने कह दी, लेकिन ये भगवान शिव का जो स्वरूप है ये रोज आप धारण करते हैं? देखिए, यह मैं 28 वर्षों से रुद्राक्ष धारण करता हूँ। जब मेरी भू समाधि 41 दिन की हिंदू राष्ट्र नेपाल में हुई थी, तब तो वहाँ के राजा महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह, उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी ने मुझे यहाँ रुद्राक्ष का मुकुट चंद्रमा भेंट किया था। तब से 11,000 रुद्राक्षों के धारण करने का क्रम निरंतर चला आ रहा है। 33,000 रुद्राक्षों के धारण करने का मेरा संकल्प है, लेकिन रुद्राक्ष भिक्षा में प्राप्त होने के बाद ही धारण करने से सिद्धि प्राप्त होती है। खरीदा हुआ रुद्राक्ष लेने
करने से कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। शिव पुराण में 16-14 मुख के तके रुद्राक्षों के मिलने का प्राविधान है। एक मुखी रुद्राक्ष तो अत्यंत दुर्लभ होता है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास वह रुद्राक्ष की माला थी जो कि उनकी दुर्घटना के पहले टूट करके गिर गई थी। जिनके भी पास रुद्राक्ष रहता है वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता है। रुद्राक्ष रोगों को भी समाप्त करता है और वृद्धियों को भी देता है। रुद्राक्ष पहनने वाले लोगों को पूरी श्रद्धा के साथ रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो आहता बाबा हमारी साथे बात करी रहा था ने आपने फरी थी एक वक्त अहीना जो दृश्य छे हूँ दर्शावीस कैमरा पर्सन रवि सिंह ने कहीश के थोड़ू आगड़ आवे आप जोशो के अहीं विजय आहुति यज्ञ जे छे ये करवामां आवी रह्यो छे ने विजय आहुति यज्ञ नी साथे साथे आप जोशो के जे आ दीप जे छे ये प्रज्वलित करवामां आव्या छे। 2 करोड़ थी वधु दीवाओ जे छे अत्यार सुधी बाबा तरफ थी प्रगटावी देवामां आव्या छे। मात्र एक ज लक्ष्य छे के राम मंदिरनो भव्य निर्माण थाय अने आ भव्य निर्माण माटे जे आ मठना बाबा छे ते स्पष्ट रीते क्यांक ने क्यांक एक ज वात पर अडक छे अने आ प्रकारथी दर वर्षे तेमना तरफथी कुंभमां आ दर वखते ज्यारे कुंभनुं आयोजन थाय छे अर्धकुंभ होय के महाकुंभ त्यारे तेमना तरफथी आ प्रकारनुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे। कैमरा पर्सन रवि सिंह नी साथे अमित राजपूत, जी मीडिया, प्रयागराज।